तकरीबन 1.5 किलो के करीब ये बर्ट है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से धो लिया है, ये देखें बहुत अच्छे से मैंने इसको धो लिया है। अब मैं इसको सेकूंगी एक पानी को। ये देखें मैंने बटों को बहुत अच्छी तरीके से धोकर उनको उबलने के लिए चढ़ा दिया है। मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। इसमें मैं शामिल करूंगी अभी यहाँ पर वन टीस्पून के करीब मैं इसमें हल्दी शामिल करूंगी। चम्मच आधा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। इससे हमारी जो बटों की स्मेल है वो ख़त्म होगी हल्दी और लहसुन अदरक डाल के उबालने से। और इनको मैं 10 मिनट तक तकरीबन कुक करूंगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैं इस पानी को ड्रेन कर लूंगी, सारा इस पानी को फेंक दूंगी। ठीक है, आइए इसको ड्रेन करते हैं। इसको ड्रेन करने से ये होगा कि हमने इसको बॉईल करा है तो ये पानी में जितनी भी ये बट में स्मेल थी वो सब ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए मैं इसको फिर वॉश कर लूँगी अच्छी तरीके से। ये देख सकते हैं आप, मैंने बटों को बहुत अच्छी तरीके से धोकर उनको रख दिया है और एक पैन को गर्म करने रखा है। अब मैं इसमें सरसों का ऑयल डालूंगी, 1 कप के करीब मैं इसमें सरसों का ऑयल डालूंगी और इसको गर्म करूंगी। और ये जब अच्छे खासा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं अपने मसाले शामिल करूँगी। तो ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। मैंने यहाँ पर 4 अदद प्याज को कट कर लिया है और इसको मैं पैन में शामिल करूंगी और इसको मैं बस पिंक पिंक सा फ्राई करूंगी। हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना है क्योंकि हमें मसाला भूनकर और इसको पकने के लिए चढ़ाना है। अब यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, वो शामिल करूँगी यानी कि क्यूमिन सीड्स। यहाँ पर ब्लैक पेपर ली है यानी कि काली मिर्चें, 10 से 15 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं। यहाँ इसको हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हमें सॉफ्ट सॉफ्ट सा ही रखना है इसको। और बहुत सारे लोग इस बट को चढ़ाकर भी बनाते हैं, जैसे प्याज ऑयल वगैरह सब कच्चा डालते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए हल्की सी प्याज नरम हो चुकी है, अब मैं ये बट सारी शामिल कर दूँगी इसके अंदर। हल्दी डालूंगी 1 टीस्पून के करीब, जैसे हुई लाल मिर्च डालूंगी 2 टीस्पून, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डालूंगी वो भी 2 टीस्पून डालूंगी। नमक अभी शामिल नहीं करूंगी मैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी मैं, ये देखें 2.5 चम्मच है ये मैंने भर के लिए थे, ये सब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप लोग सारे मसाले जितने मैंने क्वांटिटी बताई है आप लोग को अपने टेस्ट के हिसाब से उसको डबल कर सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको रखना हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टमाटर शामिल करूँगी।
चार अदद मैंने टमाटर लिए हैं, उसको मैंने छिलका उतार कर और इस तरीके से काट लिया है। देखें छिलका उतारा हुआ ही है मैंने। पानी लूंगी मैं 2 लीटर के करीब, इसके अंदर पानी शामिल करूंगी बट में, ठीक है। चलिए दिखाती हूँ आपको। नहीं ये देखिए पानी, इसमें मैं और शामिल करूंगी। तकरीबन पूरा 2 लीटर इसके अंदर पानी गया है। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं करा है। अब मैं इसको ढककर तकरीबन, ये गोश्त से डबल उसमें टाइम में गलता है ये, तो हम जैसे गोश्त गलाएंगे आधा घंटा, तो इसको हम 1 घंटे बाद देखेंगे, ठीक है। 1 घंटे तक हम इसको गलाएंगे। चलिए 1 घंटे बाद मिलते हैं। ये देखें तकरीबन मुझे इसको पकाते हुए 1 घंटा हो गया है। अब देखें हमारा मसाला इस स्टेज पे आ गया है। अब मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक आप लोग हद से जायका डाल सकते हैं। मज़ेदार सी ये बर्ड की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। मेरा हाथ ही नहीं पड़ रहा। चलो ये मैंने दही लिया है, देखें 1 पाव के करीब ही मैंने दही लिया है। ये सारा मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो 20 मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊंगी, क्योंकि दही डाला है मैंने, दही भी अपना पानी छोड़ता है, तो 20 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 4 अदद हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी, बड़ी वाली मोटी वाली, ठीक है। भुनाई की तरफ है हमारा ये मसाला। और कसूरी मेथी डालूंगी अब मैं इसमें। ये देखिए मेथी डाल दी है मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने, यानी कि 2 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग कितनी मज़ेदार सी मैंने बट की रेसिपी तैयार की है। अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।